नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज संडे हैं, अभी इवनिंग के 7:15 है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो 7:15 अभी थोड़ी देर हो गई, मुझे 6:15 उठी हूँ नींद से, 6:30 हो गए थे। उसके बाद उठ के मैंने चाय बनाया, पहले सीधा नींद में से उठी थी तो बोलना मेरे से हो नहीं रहा था। मुझे आदत है पहले उठने से चाय पीने की, तो पहले सीधा मैं चाय बनाने के लिए गई। काजल को बोला चल मैं पहले सीधे चाय ही बनाती हूँ, तो चाय पिया। उसके बाद अभी बैठी हूँ, अभी का भी फ़ोन आ गया, बोले नाश्ता क्या खाएंगे। तो मैंने बोला जो खाओ आप बोलो, तो इनको भी आज भूख नहीं है, मुझे भी भूख नहीं है, तो दोपहर में लेट ही खाया था, तो आज किसी को भूख नहीं है, तो फिर आज नाश्ता नहीं बना रही हूँ। आज सिर्फ नाश्ते पे है खजूर, और ये मेरे लिए वेफर्स लेके आते जो मैं वो ही खा रहे आएंगे अभी। उसके बाद खा के फिर चाय बाय बनाऊँगी, फिर सीधा रात का खाना। तो रात के खाने पर भी इन्होंने बोला मैं चिकन लेके आ रहा हूँ आज, तो दही भी साथ में लेके आऊँ। तो मैंने बोला हाँ लेके आओ दही, कि तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए दही चाहिए, तो मैं मैरिनेट करके रखूँगी, पहले खा लूँगी नाश्ता इनके साथ बैठ के, अभी चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद फिर मैरिनेट करके चिकन को जल्दी लग जाऊँगी आज बनाने की। तो फिर मैरिनेट करो, चिकन भूनने में टाइम लग रहा है ना, तो फिर प्रेशर कुकर वाला चिकन ये खाते नहीं है, सिपड़ी में ही खाते हैं, जो सिपड़ी में बनाए तो वो खाते, या तो फिर वो अलग जो मेरा नॉन स्टिक पैन है उसमें बनाती हूँ, तो उसमें ही खाते, वही बना हुआ खाते, उसमें चिकन और मटन हो कुछ भी वो उसी में ही बनाती हूँ। तो मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, उसमें भी टाइम जाएगा, तो फिर टाइम लगेगा चिकन बनाने में, तो जल्दी से मैं लग जाऊँगी, जैसे 8:15 ये भी जाएँ तो फिर फटाफट से लग जाऊँगी अपना खाना बनाने में। तो जब तक मेरा चिकन अपने आप बनेगा, फिर बाद में रोटी तो गर्म ही खाएँगे 10:30, तो जब तक मेरा चिकन रेडी हो जाएगा फिर आएंगे, तो आटा गूंथ के वो टाइम पे ही रोटी गर्म ही बना दूंगी, क्योंकि रोटी पहले कभी पकाते ही नहीं है, जब ये आके बैठे खाने तो ही पकाते हैं, तो इनके आने के टाइम पे ही रोटी बनाऊंगी। खाली चिकन ही थोड़ा रख दूंगी भूनने को और बनने को, तो अटेंसेस भी अभी पड़े हैं, मैंने अटेंसेस नहीं लगाया है, वो भी लगा लूंगी, थोड़ा किचन क्लीन कर दूंगी। तो गाइस अभी 9:15 है, मैं अभी खाने पे लग रही हूँ, अभी भी बहुत देर बैठे थे बातें कर रहे थे, तो उसके बाद ही अभी चिकन को मैंने कप का मैरिनेट कर दिया है। पहले चिकन को किया लेके आया चिकन दही सब, तो मैरिनेट किया उसे, तो कप का हो रहा है मैरिनेट, अभी बस मुझे ओनियन पकाना है, जब तक वो मैरिनेट हो जाएगा रेडी करके रखा है, और ओनियन काट के सब तैयारी की है चिकन बनाने के लिए, तो आज चिकन और रोटी है खाने पे, तो ये हो जाएगा 10:15-10:30 तक मेरा खाना भी बन जाएगा, चिकन भी बन जाएगा, रोटी भी बन जाएगी गरम गरम दोनों साइड। और चिकन में इतना टाइम नहीं लगता है, मटन को भूनने में और बनने में टाइम लगता है, चिकन जल्दी बन जाता है। गाइस मैंने होल मसाले सब तैयार कर दिए, तेजपत्ता, बड़ा इलायची, छोटा इलायची, लौंग एंड दालचीनी सब रेडी किया है, थोड़ा अपने हिसाब से पहले ये तड़का दूंगी इसका होल मसाले का, उसके बाद ओनियन काटा है, ओनियन दो लंबे कटे हुए ओनियन काटे, ये भी पका दूंगी फटाफट से, और चिकन को भी मैरिनेट कर दिया है, चिकन को भी मैरिनेट कर दिया है मैंने, दही लहसुन अदरक नमक डाल के। चिकन जल्दी बन जाता है, मटन में टाइम लगता है, मटन को भूनने में पकने में बहुत टाइम लग जाता है, उस दिन मटन बनाया था ऐसे में ही मैंने बनाया था, कुकर का वो खाते ही नहीं है अभी, कुकर को सीटी लगी हुई, मटन चिकन पसंद ही नहीं उनको, जब इसमें ही बना या सिपड़ी लेके बना जिसमें राइस बनाती हूँ वो खाते हैं, उसमें अच्छा भी बनता है टेस्टी बनता है, कुकर में थोड़ा ऐसे फटाफट बनता है लेकिन वो टेस्टी नहीं बनता है, उनको टेस्ट नहीं आती है, और बोलते हैं अभी चिकन और मटन बनाती है तो मैरिनेट करके ही बना, वैसे ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो होल मसाले मेरे रेडी हो गए, अभी ओनियन डाल रही हूँ,
तो इसमें से मैंने थोड़ा ऑयल निकाला, थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, मेरा ध्यान नहीं था, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था ऑयल, अभी कम किया, इनको कम खाना है, बस इतना तो होना चाहिए। इसे कम डालूंगी तो फिर ओनियन अच्छा नहीं पकेगा और चिकन का कलर अच्छा नहीं निकलेगा। तो गाइज अभी चिकन बन चुका है, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है, अभी को दिखाई, उनको ऐसे ही ग्रेवी पसंद है, थिक हो थोड़ी ग्रेवी। और चिकन भी मैंने चेक किया चाकू से, वो गल चुका है अंदर से अच्छे से, तो अभी बस रोटी बनानी है। तो अभी काजल और मैं बेलती जाऊंगी रोटी और काजल पकाती जाएगी, और अभी को लगी है बहुत सारी भूख देख के और खुशबू से इनके। तो गाइस अभी रात के 12:30 बजे है, खाना मैंने कब का खा लिया है, तो बैठे थे हम लोग भी, बिग बॉस देख रहे थे रिपीट, अभी भी देख रहे थे क्योंकि तो ये लेट आए थोड़ा, फिर इन्होंने वापस से वो रिपीट देख के अभी 12:30 बजे सोने गए हैं, बैठे थे तो मैं भी बैठ रही थी, टीवी देखी, खाना खाया, लेकिन चिकन बहुत मस्त टेस्टी बना था, बहुत खाने में अभी को भी बहुत पसंद आया। किचन विचन क्लीन किया मैंने, पूरा मेसी हो गया था चिकन बनाने में, पूरा किचन सब मेसी सब हटा के फिर प्लेटफॉर्म साफ किया, बस अभी खाली मिल्क ही पीना है, लेकिन अभी मिल्क की भी पेट में जगह नहीं है, मैंने चिकन इतना खा लिया है, बहुत इतना अच्छा चिकन था तो ज़्यादा ही खा लिया है, तो अभी पेट में मेरे जगह ही नहीं है मिल्क की,
मैं थोड़ी देर बैठूंगी 1 बजे तक, जल्दी नहीं सोऊंगी, वैसे भी 1 बजे ही सोती हूँ, लेकिन तब तक मैं 12:30 तक काजल को बोलती हूँ मिल्क गर्म कर, टैबलेट दे, तो मिल्क पीऊंगी, टैबलेट लूंगी, थोड़ी टीवी देखूंगी, 1 बजे फिर रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए मैं, तो टैबलेट लेके फिर मिल्क पीऊंगी, फिर सोऊंगी, बट थोड़ा लेट, क्योंकि तो आज नींद भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है मेरी। देखो मैं लास्ट बाय बाय करती हूँ तब मुझे नींद आती है, मेरी आंखों में नींद होती है, आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आफ्टरनून में बहुत सोई हूँ मैं 6:15 बजे तक, तो इतनी सोने से अभी नींद आ नहीं रही है, नहीं तो ये टाइम पे 12:30 होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे बोलती हूँ बाय गाइस अब मुझे नींद आ रही है तो अभी सोने का टाइम हो गया, मैं टाटा बाय बाय जा रही हूँ। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मैं सोने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो होप आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं वो मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलूंगी कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।